कई बार आप क्या ऑब्जर्व करते हो लाइफ में, जब भी आप कभी अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या ऑब्जर्व किया। रिपीट करना सर, अभी कनेक्ट हुए। स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, टॉपिक ओके सर। का नाम लिखा है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। सम टाइम क्या होता है, जब आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन तो हमेशा नीचे गिरेगी ना, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, इधर ये आपका जो मिरर है, तो आपको रेन ऐसे मिलती है। और एक्चुअल में रेन किस किस डायरेक्शन में गिर रही है? डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो आपको रेन किसी एंगल पे मिलती है। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन में कभी आया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपनी बाइक पे हो या आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप साइकिल पे हो और रेन इज फॉलिंग, तो आप अपने आंखों को कवर करने के लिए अपने हाथों का यूज करते हो, क्योंकि वो आपकी आईज में पड़ रही होती है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, वो हमें किसी एंगल पे क्यों मिलती है? पहली चीज, ये हमें तभी क्यों मिलती है जब हम चल रहे होते हैं, व्हेन वी आर मूविंग। अगर आप रुक जाएंगे तो रेन आपके बिल्कुल वर्टिकली, मतलब हेड के ऊपर पड़ेगी, हवा नहीं चल रही होगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एयर इज नॉट ब्लोइंग। अगर एयर चल रही होगी तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आपके हाथों में अगर कोई अम्ब्रेला है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करने वाले हो? जस्ट अम्ब्रेला को अपने वर्टिकली ऊपर करने वाले हो, ऐसे करने वाले हो, यस अगर आपको अपने आप को बचाना। लेकिन जब आप मूव कर रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, देन यू आर मूविंग और यू आर जस्ट रनिंग। उस केस में अगर आपके पास अम्ब्रेला होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अम्ब्रेला को टेढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि रेन आपको किसी एंगल पे मिलेगी, एंगल रेन आपको किसी एंगल पे मिलने वाली। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, और रेन से बचने के लिए हमें अम्ब्रेला को किस एंगल पे करना पड़ेगा और क्यों ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। जिन बच्चों ने पहले कुछ भी नहीं किया कॉम्पिटिशन का, तो भी वो यहाँ से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेक्टर के अंदर ही है ये टॉपिक, वेक्टर का ही पार्ट चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जैसे ए बी, मैं ऐसे लिखता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखा मैंने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है वेक्टर में, वी ए माइनस वी बी, ये ध्यान रखना है। और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है, बट यहाँ से मैं बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी। साथ साथ नोट कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी One body with respect to the another body, और उसको लिखने का तरीका ये होता है माइनस में। सोच करो एक बॉडी की वेलोसिटी मैं आपको दे देता हूँ, कुछ भी वेक्टर के अंदर 3i + 4j, और एक बॉडी की वेलोसिटी मैं आपको दे देता हूँ 2i + 3j। अब मैं आपसे पूछता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
अगर पहले आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप वेरी गुड। आपको ये भी ध्यान रखना है ए बी लिखा ना तो पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप उल्टा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप काफी इंटेलिजेंट है सब बच्चे। यहाँ क्या आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। क्या किसी को ये पूछना है यहाँ तक कितना नहीं इसको क्लियर कर दो स्क्रीन को। यस सर। ओके अब आप नोट करो व्हेन रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी वी आर ले लेते हैं रेन के लिए and a man is moving with velocity इसको नाम दे देते हैं वी एम एम फॉर मैन। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये निकालना है आपने क्योंकि हमें रेन से बचना है ना तो हमें ये देखना है कि रेन की वेलोसिटी मैन को क्या अपीयर हो रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इसको कैपिटल में मुझे हाजी तक मैं कैपिटल में जाए तो मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ये मेरा आंसर है। अगर मुझे दोनों वेलोसिटीज पता है ध्यान से समझना इस बात को इसलिए मैं स्लोली आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको एक वेलोसिटी मालूम है और दूसरी भी पता है तो आपने रेन से बचना है रेन ने आपसे नहीं बचना ध्यान रखना इस बात रेन से आपको बचना है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन की डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है रेन की डायरेक्शन में। अगर रेन आपको इधर से आती हुई मिल रही है तो आपको अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करना है ताकि आपके ऊपर ये ना गिरे। उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए रेन किस डायरेक्शन से आ रही है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने अभी लिखा बोर्ड पे। यस सर। यस सर। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आप डायरेक्शंस को कोई भी आई जे के कुछ भी दे सकते हो जैसे आपको पसंद हो। जैसे मैंने इसको आई जे माइनस आई और माइनस जे का नाम दिया ऐसे लेते हो ना आप एक्स वाई। यस सर। यस। आप के भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो आपके ऊपर आपको दो डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अब रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इसको वेक्टर में क्या लिखूं मैं आप बताओ इसको मैं क्या लिखूं 30 के साथ क्या लगाओ आई कैप जे कैप या माइनस जे कैप या माइनस आई कैप। माइनस जे कैप। अरे ये ना नीचे वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव ली है ध्यान रखना इस बात को नीचे वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव ली है तो आपके पास रेन क्या हो गया माइनस का जे कैप। उसके बाद हमें कहा गया कि एक बंदा या एक मैन मैन is moving along x-axis positive x-axis with velocity
40 मीटर पर सेकंड, तो मैं v मैन क्या लिख सकता हूँ? 40 i cap. क्या इतना काम कर सकते हो आप लोग? Yes. Yes, sir. अब मैन को रेन से बचना है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है. -10. अभी मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन. रेन की कितनी है? -30 cap -40. ये आपका -70 क्या? ये आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया. अब अगर मैं आपसे yes. इसका मैग्नीट्यूड बताऊं, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं? -30² + -40² अंडर रूट 30 माइनस का स्क्वायर करेंगे 2500. तो आपको अब रेन जिसकी स्पीड कितनी थी 30, वो आपको मिल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि आप खुद भी दौड़ रहे हो ना, आपकी खुद की भी कोई स्पीड है. तो आपको रेन किस स्पीड से मिल रही है? 50 मीटर पर सेकंड से. इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर. यस सर. अब क्वेश्चन वहीं खड़ा है अभी. अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है? आदमी को बचने के लिए अम्ब्रेला किधर रखना है? अब इसको ध्यान से समझना. थोड़ी सी जगह बनाता हूं मैं इरेज करके. आपके पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो कितना आया वेक्टर में बताओ? कितना आया वेक्टर में? आया 50 i cap. इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी को, तो मेरे पास -50 g तो नीचे की तरफ है और 40 इधर है. ऐसे ही है ना? कुछ सोच के देखते. 40 इधर नहीं आ रहा. देखो 40 i cap है नेगेटिव का, तो 40 मैग्नीट्यूड इधर आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में और 30 मैग्नीट्यूड इधर आ रहा है. ऐसे ही आ रहा है ना? देखो इसको. बेटा यहाँ देखो ना, अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए देखो. ओके सर. ओके. इसमें तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का साइन है ना, इसमें नेगेटिव का साइन है. रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली हमने, अब इसका जो डायगोनल होगा ये, इधर से मैन को रेन आता नजर आया, ये डायरेक्शन होगी रेन. अगर मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो अपने अम्ब्रेला को किधर करेगा? डायगोनल की तरफ करेगा. आपने रिलेटिव वेलोसिटी बनाने के बाद ना दोबारा से डायग्राम बना के देखना, उसका फिर आपने इस तरह से रेक्टेंगल बना लेना है. इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होता है. तो अब जो रेन उसको आ रही है ना, वो इस डायरेक्शन से आ रही है. अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला को कितने एंगल पे करना पड़ा? लेट अल्फा. अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा. ये साइड 40 है तो ये वाली साइड कितनी है पैरेलल में? 40. ये साइड 30 है तो ये वाली साइड कितनी है? 30. क्वेश्चन आएगा किस एंगल पे अम्ब्रेला रखे कि अपने आप को बचाए. एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ होगा, वर्टिकल के साथ. तो आप इस ट्रायंगल में से टेंजेंट अल्फा निकाल लो, 40/30. टेंजेंट अल्फा इज 4/3. अल्फा को आप ऐसे लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 4/3. जब आप इनवर्स लिखोगे मतलब एंगल निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स. तो ये आपका आंसर आ गया कि मैन को रेन तो मिल रही है 50 मीटर पर सेकंड से मैग्नीट्यूड, उससे बचने के लिए उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में करना पड़ रहा है? एट एन एंगल टेंजेंट इनवर्स 4/3 विद द वर्टिकल.
उसको वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला करना पड़ रहा है, टेंजेंट इनवर्स 4/3। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर, अल्फा निकालना दोबारा से बताना। ये ऊपर वाला अल्फा है तो ये नीचे वाला अल्फा होगा, यस और नो? यस सर। अभी ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। ये टेंजेंट अल्फा आ गया 4/3। यस सर। अब अल्फा निकालना है ना, तो टेंजेंट को दूसरी तरफ लाकर इनवर्स लिख देते हैं कोई भी चीज को। मान लो कॉस थीटा आपके पास हो 1/5, आपको थीटा निकालना हो तो कॉस इनवर्स लिख देते हैं, कॉस उधर जाके या साइन उधर जाके या टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सोल्व तो नहीं करना बेटा, इसे आगे और सोल्व तो नहीं करना, ये आंसर है बेटा। ओके सर, दो आंसर है, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते हैं और डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा सर, अल्फा की वैल्यू डिग्री में नहीं निकालनी बेटा, ये आपको पता नहीं होगा ना 4/3 कितना डिग्री है। हाँ, अगर यहाँ 30 होता, लेट 30 से 30 कट जाता तो फिर वो वैल्यू आपको याद है, टेंजेंट अल्फा 1 आ गया तो आप क्या लिखेंगे 45 डिग्री। लेकिन आपको ये तो याद नहीं ना टेंजेंट अल्फा 4/3 कब होता है। यस सर, कंपटीशन में आपको ये आंसर इसी फॉर्म में दिया जाएगा, इनवर्स की फॉर्म में। ओके सर, या ऐसा कोई एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे टेंजेंट अल्फा √3 आ जाता तो आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री। तब आप 60 डिग्री लिखेंगे, अदरवाइज आप उसको इनवर्स में लिखते हैं। मैं 2-3 सम करूंगा ना फिर और क्लियर होगा। सर ये 50 कैसे सर बताना है सर, मैग्नीट्यूड 50 में क्या बताना है आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना रहा, 30 का स्क्वायर। यस सर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, मिलके 2500, 2500 का रूट कितना होता है, 50। सर ये वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। हाँ वही निकालना है आपको, रेन हम ओके सर, हमें रेन से बचना है, रेन को अभी हमसे बचने की जरूरत नहीं है, हमें बचना है रेन से, हम ना वेट हो जाए हमारे ऊपर पानी ना गिरे, इसलिए हम अम्ब्रेला यूज करते हैं इस चीज के लिए। चलो एक दो सम और कर रहा हूँ मैं, और आइडिया क्लियर होगा। लेट की ये एक मैन है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस 100 आई कैप। ये एक्सिस आपको दी नहीं जाएगी, आप खुद बना लेना, और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी लेट, इसकी भी वेलोसिटी मैंने सेम ले ली 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप रफ में ना अपनी डायरेक्शन बना लिया करो, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन आपको क्या गिवन है, 100 जे कैप माइनस 100 माइनस 100 जे कैप माइनस 100 जे कैप। मैन आपको क्या गिवन है, 100 आई कैप। आपको क्या निकालना है इसमें, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये बनेगा माइनस 100 जे कैप माइनस 100 आई कैप। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल दो कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, वो बनेगा माइनस 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 100 का स्क्वायर, सॉल्व करके आ गया 100√2 मीटर पर सेकंड, 100√2 मीटर पर सेकंड। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एंगल क्या होगा, आप पहले इससे ना दोबारा डायग्राम बनाओ, इससे डायग्राम क्या बना,
100 इधर है माइनस आई कैप और 100 इधर है माइनस जे कैप। फिर एक रिक्टेंगल बना लिया करो और उसका जो डायगोनल होगा उसको पीछे से ले आओ ऐसे, ये पूरा इस डायरेक्शन से आपको रेन मिले। सर 45 डिग्री, बिल्कुल सही कह रहे हो 45 सर, क्योंकि आपको अम्ब्रेला को रखना है, अपने आप को बचाना है। यस सर, अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ये साइड 100 है और ये वाली साइड भी 100 है। 100 है तो मेरे पास आएगा टेंजेंट अल्फा 1, अल्फा कितना आएगा 5 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। करोगे एक सम? करोगे क्या? यस सर करेंगे। यस सर। मना भी करोगे तब भी दोगे। देखो एक मैन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड। इस बार ना रेन वर्टिकली फॉल नहीं कर रही, रेन पहले से ही किसी एंगल पे आ रही है। एंगल इज 37 और रेन की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। किसी कारण से रेन किसी एंगल पे आ रही है, मे बी हवा चल रही होगी, कुछ भी रीजन रहेगा। आपने वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड बताना है और अम्ब्रेला किस एंगल पे रखे वो सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं पहले कौन करता है और उसके क्या आंसर जाते हैं। So tan inverse 37 upon 16.
बेटा किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया? सर निकाल दो सर, रूट रूट सेवन सेवन अपॉन सिक्सटीन। एंगल बता दो मुझे, एंगल क्या है? सर एंगल है टेन इनवर्स 24/50। सर मेरा टेन इनवर्स 37 अपॉन 16 आ रहा है। किसका आंसर? आशी। और दूसरा आंसर किसका है? सिनव्या। क्या आंसर बेटा? सो टेन इनवर्स 37 अपॉन 16। बाकी बच्चे भी बताओ। सर मेरा टेन इनवर्स 3/5 आ रहा है। नाम बोलो। वानी। वानी नेक्स्ट। यशिका आपका सर टेन इनवर्स 3/4 आ रहा है। वंशिका। वंशिका कितना बेटा? सर टेन इनवर्स 3/4। 3/4 वंशिका। सर टेन इनवर्स 4/5 आदित्य। 4/5 आदित्य। किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा बेटा। सर टेन इनवर्स 37 अपॉन 18। टेन इनवर्स 37 अपॉन सर टेन इनवर्स 37 अपॉन 18। यशिका। यशिका सर पिंकी। पिंकी क्या आंसर है बेटा? सर ये जो मैंने अभी बोल रहा है 37/18। ये भी पिंकी का भी, और पिंकी और यशिका का सेम है, नव्या का भी सेम है। हुँ? 10 inverse 16 by 7 जैस्मिन। ओके बाकी बच्चों ने भी आंसर नहीं दिए, लेकिन एक बार ना दोबारा से देखो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। और क्वेश्चन भी इजी नहीं था, क्वेश्चन भी इजी नहीं था। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, मैन इधर जा रहा है तो मैन को आप क्या लिखोगे? ना मैन की वेलोसिटी कितनी थी? 50 आई कैप। बट जब रेन इधर से आ रही है ना, रेन के लिए ध्यान से आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो जो थ्योरी लेक्चर था उसका फायदा उठाओ। रेन कितने एंगल पे आ रही है? 37। ये 37 है तो ये भी 37 है, तो रेन की वेलोसिटी है 40। इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, 40 cos 37 और 40 sin 37। साइन होता है 3/5। 3/5 है तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 24। और ये होता है 4/5, ये बन जाएगा 32। तो आप रेन को कैसे लिखते हो ये इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक पे। लेफ्ट साइड में -24 i कैप और नीचे भी -32 j कैप। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप शायद सही कर रहे हो। इतना समझ में आया बेटा? सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। आपको निकालना है वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वी रेन माइनस वी मैन। रेन में से मैन को माइनस करोगे तो ये 74 i cap - 32 j cap बनेगा। ये सही है क्या? यस सर। अब उसको फिर कैसे ड्रॉ करोगे? देखो लेफ्ट साइड में ही 74 आ रहा है और नीचे की तरफ 32 आ रहा है, तो अम्ब्रेला को रखने के लिए डायगोनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अम्ब्रेला को यहाँ रखना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखना पड़ेगा? अल्फा के साथ। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है,
यहां से अपना रिक्टेंगल कंप्लीट कर लो। ये 74 है तो ये साइड 74 है और ये वाली साइड कितनी है 32। तो टेंजेंट अल्फा बनेगा 74/32। काट दे कुछ, 37/16 बन रहा है। आप लोग 18 बता रहे हो कुछ बच्चे, सिक्सटीन बताया था। तो टेंजेंट इनवर्स 37/16 इज माय आंसर। और कितने बच्चों का ऑनेस्टी से बता दो ये आंसर सही है? सर 90। 90 और 90 के अलावा कोई नहीं है क्या? यशिका, पिंकी, आपका क्या था? आपका 18 था क्या नीचे? सर 18 था नीचे। तो वो गलती पता चल गई सबको? यस सर। यस सर। तो किसी को डाउट हो, गरिमा आपको, महक, पलक, पारस, रिया, स्नेहा, नो सर, विकास यादव, नो सर, सर आगे समझ, इन सबको आ गए। ओके आर्यन, यस सर, क्लियर है? एंजल, आदित्य, आशीष, भव्य शर्मा, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर है? नाग, दिवांशी, यस सर क्लियर है? कृतिका गर्ग, यस सर क्लियर है? ओके, अब सबने यस कर दिया ना, अब आपको सबको करना पड़ेगा और मैं वीडियो ऑन करवा सकता हूँ। लीव मत करना मीटिंग, मैंने अटेंडेंस ले ली है। बिल्कुल तरीके से काम करो, अब सबका आंसर सही आना चाहिए। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि मैन को एक्स एक्सिस की तरफ ना ले जाकर थोड़े से एंगल पे लेके जा रहे हैं। जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हो ना, तो मैन अब इधर जा रहा है, ये एंगल है 37 और मैन की वेलोसिटी आप ले लो 20 meter per second। रेन को एक बार वर्टिकल डाउनवर्ड ही कर लो, दो दो चीजें एक साथ नहीं करते। रेन अभी उसी तरह से नीचे आ रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड विद स्पीड 40 meter per second। अल्फा निकाल दो बच्चों, शाबाश, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सर अल्फा इज इक्वल्स टू 10/4.13। बेटा किसका आंसर है? 10/4.13। 4/14, 2/7 भी करते हैं। सर 13। ओके 13। एक आंसर आया बेटा अभी। जैस्मिन का है 10/4/7। सर 10 इनवर्स
4 upon 13 इसका बेटा कौन 13 आशी स्नेहा स्नेहा का भी यही आंसर सब लोग आंसर दो सर tan इनवर्स 4 upon 13 रिया रिया का भी यही आंसर आ रहा है सर tan इनवर्स 4 upon 13 आर्यन आर्यन का भी यही आंसर है सर tan इनवर्स 4 upon 13 यशिका सर विनीत tan इनवर्स 4 upon 13 इसका भी बाकी बच्चे बताओ सर tan इनवर्स 4 upon 15 4 upon 15 इसका बेटा सर कुशल कुशल का ही आ रहा है अबाश पता नहीं किसका ठीक होगा आई डोंट नो बट अपने अपने आंसर जरूर दो सर कुछ सर बारस टेन इनवर्स 4/5 15 सर सॉरी 4/15 फोर अपॉन 15 15 यही वाला पार्स का Ten inverse 3/4 विकास four इसका बताइए सर विकास ये विकास याद होते और बताओ बेटा सब लोग पार्टिसिपेट क्या करो आंसर में मुझे आंसर चाहिए सबके ये गलत हो सर tan inverse 14/3 tan inverse 14/3 14/3 कौन है नाम बोलो कनिका कनिका नेक्स्ट सर tan इनवर्स 4/13 इसका ही भव्य सर भव्य भव्य का भी यही वाला आंसर है आदित्य आदित्य का भी यही है सर समीर समीर का भी यही है मैक्सिमम बच्चों का tan इनवर्स 4/13 चलो लेट मी सॉल्व इट फिर आप लोग मैच करना फिर अपना अपना आंसर मैच करना बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूँ इतने सारों का गलत नहीं हो सकता वैसे तो काफी बच्चों का सेम आंसर है तो जिनका रोंग आ रहा है वो चेक कर लो और जिनका करेक्ट है वो भी देखते हैं करेक्ट है या नहीं लेट मी सॉल्व इट देखिए मैन की वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो ये इम्पोर्टेंट है आपके सामने मैन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे एक इधर और एक इधर 20 cos 37 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा ये इधर 12 बनेगा तो मैन की वेलोसिटी आप लिख सकते हो 16i cap 12j cap उसके बाद रेन के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो वो तो एक ही डायरेक्शन में है 40 of j cap आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन रेन कितना है बेटा -40 j cap मैन को माइनस किया 16i cap 12j cap ये बन गया 16i cap और इतना बन गया ना अब इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ रिजल्टेंट निकालने के लिए लेफ्ट साइड में 16 आ गया और नीचे कितना आ गया 52 आ गया अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में यहाँ इधर से रेन मिलेगी तो ये अल्फा निकालना है ये अल्फा निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स 16/52 आ रहा है इसको सॉल्व कर लो 13 बिल्कुल सही आंसर था नव्या वेरी गुड सबसे पहले नव्या का आया और बाकी सब ने भी वही आंसर निकाला तो ऑल आर गुड स्टूडेंट जिनका रॉन्ग है अपनी मिस्टेक चेक करो सारे गुड है बट अपनी मिस्टेक चेक करो बेटा कुछ बच्चे ना ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो फिर उनको लिखना पड़ेगा एंगल जो भी निकाल रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल मैं सबसे एंगल विद द वर्टिकल पूछ रहा हूँ
अगर आपने ये वाला एंगल निकालना है बीटा, तो फिर ये बीटा बन जाएगा। उस केस में फिर आपका बीटा बनेगा टेंजेंट इनवर्स 13/4 बनेगा। लेकिन ये फिर आपको लिखना पड़ेगा विद हॉरिजॉन्टल, और ये जो आप निकाल रहे हैं वो विद वर्टिकल। वर्टिकल कौन सा होता है? जो ऊपर से नीचे होता है। हॉरिजॉन्टल वो होता है जो ग्राउंड के साथ पैरेलल होता है। तो आप एंगल कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विद द वर्टिकल तो आपने यही निकालना है। अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप कोई भी एंगल निकाल ले, या अपने ऑप्शन को देख ले, चार ऑप्शन को, उनमें एंगल किसके साथ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, उसके हिसाब से निकाल। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। करेंगे एक और? यस सर। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों को एंगल देते हैं, रेन को भी और मैन को भी, बनाओ। और इससे मुश्किल क्वेश्चन ना तो आईआईटी में आएगा, नीट का तो लेवल ही बहुत कम है बेटा, नीट में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, नीट में तो वो सीधा सीधा दे देगा, रेन इधर आ रही है, मैन इधर जा रहा है। लेकिन अगर मुश्किल पेपर कभी बन जाए तब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ हर चीज। तो रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 37 ले लो, और वेलोसिटी ले लो 100 मीटर पर सेकेंड। मैन इस बार ना अप हिल नहीं जा रहा, डाउन द हिल जा रहा है, नीचे की तरफ, इसी एंगल 53 ले लो, और मैन की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। बस मुझे अल्फा विद द वर्टिकल निकाल, फाइंड द अल्फा विद द वर्टिकल। जैस्मिन का आ रहा है इंजन इनवर्स 11/2। और किसी का नहीं आया अभी तक? सर अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/4। 1/4 किसके बताइए? सर नव्या। नव्या का 1/4। सर आशीष 1/4। आशीष का भी 1/4। सर ये शिका 1/2। सर भव्य 1/2। भव्य कितना आ रहा है? 1/2।
सर 11 अपॉन 2 पिंकी कितना आ रहा है 11 अपॉन 2 यस सर पिंकी का भी यही आ रहा है सर कनिका tan inverse 1/4 कनिका का ये आ रहा है सर tan inverse 3/4 1/4 किसका ही नेहा tan inverse 3/4 नेहा करो करो सब लोग करो सर tan 11 tan इनवर्स 11 आदित्य 11 बाय 2 सर बेटा देखो आप लोग ना बेसिक्स में पता नहीं गलतियां कर रहे हो क्या कर रहे हो पहले तो मैन के कंपोनेंट बनाओ इधर बनेंगे 50 cos 53 3 बाय 5 होता है तो 30 और 40 बनेगा अब ये चेक करो कि क्या आपने वजन को सही लिखा मैन के आपके पास क्या बन रहे हैं yes. माइनस 40 के फिर आप रेन कंपोनेंट बनाओ yes, सही रेन का ये 37 है ना तो 100 cos 37 4 बाय 5 होगा तो 80 और इधर कितना बनेगा फिर 60 ये बनेगा 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप अब वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना तो रेन में से मैन को निकालेंगे तो कितना बनेगा ये माइनस 90 आई कैप और माइनस 40 जे कैप ये बन रहा है अब आपके पास ये वाली साइड तो होगी 90 और ये वाली साइड क्या होगी 40 इसका जो डायगोनल होगा इधर अम्ब्रेला जाएगा तो आपको ये एंगल निकालना अल्फा दिस इज आल्सो अल्फा यहाँ टेंजेंट अल्फा बन गया 90/40 कहीं गलत है ये तो बता अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की एक बार चेक करना मैन के तो 30 और 40 बन गए ये सही है रेन का cos 37 होता है 4/5 तो 80 बनेगा 80 ले लिया और sin 37 होगा 3/5 तो उसको मैंने 60 ले लिया रेन में से मैन को माइनस करना 90 और ये कितना रहेगा सही है बेटा मिस्टेक पता चल गई सबको सभी का रॉन्ग यस सर आई जे को आगे पीछे कर दिया होगा कोशिश किया करो पहले आई लिखा करो फिर जे लिखा करो ताकि माइनस करते वक्त गलती ना हो चलो लास्ट सर रेन वाले में माइनस कैसे आए दोनों क्या बेटा रेन के वेक्टर में दोनों माइनस कैसे आए हैं बेटा रेन नीचे गिर रही है ना ऐसे रेन इधर से आ रही है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है उसकी उसके कंपोनेंट बनाएंगे तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा ये माइनस जे कैप है और ये माइनस आई कैप है तो दोनों साइड से आएंगे ना ओके सर क्या समझ में आ गया सबको यस सर सर दिस इज ऑल फॉर द डे क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरी 3 बजे मैं ऐसी कुछ प्रॉब्लम सर्कल आपने न्यूमेरिकल्स नहीं सेंड किए कल वाले भी सेंड करता हूँ बेटा आज और ऐसे भी न्यूमेरिकल कुछ सेंड करूंगा मैं ओके सर थैंक यू सर ओके बच्चों